नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 मई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंटर में एडमिशन लेने के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। राज्य के किसान भवनों पर लगेगी कृषि विशेषज्ञों की पाठशाला। जाम से राहत के लिए राज्य के 28 जिलों में तैनात होगी ट्रैफिक पुलिस। अवैध रुपए जमा लेने वाली कंपनियों पर अब लगेगी लगाम। मुंबई के तर्ज पर बिहार में इस दिन से बनेगी फिल्म सिटी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी ने 372 पदों के लिए निकाली भर्ती। इंडियन नेवी के द्वारा चार्जमैन 2 के 372 खाली पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ के साथ साइंस की डिग्री होना जरूरी है, या उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से समक्ष डिग्री होनी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने 83 फरियादियों की सुनी फरियाद। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 83 फरियादियों की फरियाद सुनी गई और साथ ही उनके दिक्कतों का समाधान निकालने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। बता दें कि बीते दिन हुए जनता दरबार में सीएम नीतीश के सामने सुपौल जिले से एक समाज सेवा पहुंचा, जिसने सीएम नीतीश को बताया कि उसके गांव के क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराया जाए जिससे आवागमन सुलभ हो सके। वहीं दूसरा फरियादी अररिया जिले से पहुंचा था, जिसने कहा कि जमीन बंदोबस्ती के बाद भी हम महादलित परिवारों की जमीन की रसीद नहीं काटी जाती है, जिससे हमेशा भगाए जाने का संशय बना रहता है। सहरसा जिले से आए तीसरे फरियादी ने कहा कि उसके इलाके में अब तक ग्रामीण सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। समस्तीपुर जिले से आए फरियादी ने बताया कि 9 कट्ठा 8 दूर जमीन खरीदा, लेकिन हमारे अपनी ही भूमि का लगान रसीद काट कर नहीं दिया जा रहा, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कई अन्य फरियादियों की फरियाद भी सुनी और सभी मामलों से जुड़े संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए मामलों को सुलझाने को कहा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गणेश दत्त सिंह के बारे में। गणेश दत्त सिंह एक भारतीय वकील, शिक्षाविद, परोपकारी और प्रशासक थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से पहले बिहार और उड़ीसा राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपनी कमाई और निजी संपत्ति से शैक्षणिक संस्थानों, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, आयुर्वेदिक कॉलेज और नेत्रहीनों और बधिरों के लिए स्कूलों के विकास के लिए उदार दान दिया। गणेश दत्त के जीवन और कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रकाश झा द्वारा बनाई गई थी। 14 अप्रैल 1933 को सर गणेश दत्त सिंह ने नियमावली बनाकर सर गणेश दत्त ट्रस्ट फंड कोष का गठन किया था। सर गणेश दत्त सिंह ब्रिटिश शासन के तहत बिहार और उड़ीसा के स्थानीय स्वशासन के मंत्री थे और बिहार प्रांत के प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों में से एक थे। सर चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह सिन्हा कुलपति की पहल पर 1945 में पूर्वी भारत के सबसे पुराने मनोवैज्ञानिक सेवा केंद्रों में से एक पटना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विस शुरू करने के लिए सर गणेश दत्त ने अपना घर कृष्णा कुंज पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया था। राज्य के किसान भवनों पर लगेगी कृषि विशेषज्ञों की पाठशाला। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के द्वारा राज्य के किसान भवनों पर पाठशाला लगाई जाएगी। बता दें कि इस पाठशाला में किसानों को उन्नत बीज, खाद, तकनीक, रसायन से लेकर बाजार की बारीकियां समेत पशुओं की देखभाल के तरीके बताए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए 478 ई किसान भवनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जहां किसानों को सभी चीजों के बारे में बताने के लिए क्लासरूम और स्क्रीन की भी सुविधा रहेगी। इसके साथ ही सभी किसान पाठशाला से ऑनलाइन तरीके से भी जुड़ सके, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी बहाल की जाएंगी। मालूम हो कि इसे 4th कृषि रोड मैप में भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ई किसान भवनों के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इंटर में एडमिशन लेने के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 16 मई को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर में एडमिशन लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और फिर छात्र 17 मई से 26 मई तक ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS के जरिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा दी गई है। बता दें कि OFSS पर पूरे बिहार के जिलावार
कॉलेज और स्कूलों की सूची डाल दी गई है, जिसमें कुल 10,268 स्कूल व कॉलेज शामिल है। वहीं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स मिलाकर कुल 22,97,320 सीटों पर छात्रों का एडमिशन लिया जाएगा। बोर्ड की माने तो छात्रों के आवेदन प्राप्त अंक और आरक्षण कोटि के आधार पर मेधा सूची जारी की जाएगी और इसके तहत ही छात्रों को कॉलेज या स्कूल आवंटित किए जाएंगे। वहीं जिन छात्रों के नाम मेधा सूची में उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें स्पॉट नामांकन के तहत एडमिशन दिया जाएगा। जाम से राहत के लिए राज्य के 28 जिलों में तैनात होगी ट्रैफिक पुलिस। राज्य में लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके, इसके लिए राज्य के 28 जिलों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बता दें कि तैयार किए गए रूपरेखा के अनुसार 23 बड़े जिलों में 165 पुलिसकर्मी बहाल किए जाएंगे और बचे 5 जिलों में 84 ट्रैफिक पुलिस बहाल किए जाएंगे। बता दें कि जिन 5 जिलों में 84 ट्रैफिक पुलिस को बहाल किया जाएगा, उनमें किशनगंज, अरवल, शेखपुरा, बघा और शिवहर जिला शामिल है। मालूम हो कि इन 28 जिलों में ट्रैफिक थाने की कमान DSP रैंक के पदाधिकारी के पास होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बहुत जल्द ही 21,391 सिपाही और दरोगा की बहाली की जाएगी, जिसमें से चयनित अभ्यर्थियों को ट्रैफिक पुलिस के रूप में चयन किया जाएगा। बिहार के 7 जिलों में बनेंगे निःशुल्क हॉस्टल। शिक्षा विभाग की ओर से ऐसा निर्णय लिया गया है कि राज्य के 7 जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के तर्ज पर निःशुल्क बॉयज हॉस्टल को तैयार किया जाएगा। लेकिन बता दें कि यह हॉस्टल उन लड़कों के लिए होगा जो जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। वहीं राज्य के 7 जिलों में बनने वाले इन निःशुल्क हॉस्टल का निर्माण सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन 7 जिलों में इस हॉस्टल का निर्माण किया जाना है, उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, जमुई, नवादा, गया, बांका और औरंगाबाद के नाम शामिल है। मालूम हो कि हॉस्टल निर्माण में कुल लागत 1 करोड़ रुपए आ रही है। वहीं प्रत्येक हॉस्टल में 150 बच्चों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी। इसके साथ ही इस हॉस्टल में बच्चों की देखरेख के लिए 24 घंटे शिक्षक एवं कर्मी मौजूद होंगे और साथ ही इस हॉस्टल में बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीज को मिलेगा जीविका का बना कपड़ा। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीज को जो कपड़ा उपलब्ध करवाया जाएगा, वह जीविका दीदियों के हाथ से बना कपड़ा होगा। दरअसल सरकार के द्वारा मरीजों की ड्रेस की सप्लाई और धुलाई करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीविका दीदियों के द्वारा तैयार किया गया यह कपड़ा मरीजों को अगले महीने यानी कि जून से मिलना शुरू होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का जीविका दीदियों के साथ आधिकारिक करार होगा। मालूम हो कि मरीजों को जो ड्रेस जीविका दीदियों के द्वारा उपलब्ध कराई जानी है, वह खादी के बने होंगे। वहीं प्रतिदिन मरीजों को नया ड्रेस मिलते रहे, इसके लिए कपड़ों की धुलाई की जिम्मेदारी भी सरकार के द्वारा जीविका दीदियों को ही दी गई है। बता दें कि वर्तमान में यह काम अस्पताल के द्वारा खुद किया जाता है। बता दें कि इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए 14,14,85,000 रुपए खर्च होने की संभावना है, क्योंकि विभाग के द्वारा प्रति ड्रेस सेट 950 रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है। वहीं ड्रेस की धुलाई के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गोपाल मंदिर हथुआ के बारे में। गोपाल मंदिर हथुआ गोपालगंज का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर गोपालगंज जिले में हथुआ में स्थित है। यह मंदिर प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण हथुआ राज परिवार के द्वारा किया गया था। यह मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी मूर्तियां और कलाकृतियां देखने के लिए मिलती है, जो बहुत ही आकर्षक लगती है। मंदिरों की दीवारों में आपको सुंदर मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर की दीवार पर बनाई गई है। यहाँ पर तालाब भी बहुत सुंदर है। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन बना हुआ है और एक जलाशय बना हुआ है। जलाशय के चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, आप यहां पर आकर बैठ सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आपको राधे कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। कैमूर में शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब की खेप और शराब तस्कर से जुड़ी खबरें सुनने को मिलती रहती है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के कैमूर का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एंटी लीकर टास्क फोर्स और मोहनिया पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है और साथ ही 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान सुखविंदर सिंह जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब और कालूराम जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के रूप में की गई है। बता दें कि यह शराब की खेप प्याज की आड़ में उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर बिहार पहुंचाई जा रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंटी लीकर टास्क फोर्स और मोहनिया पुलिस के द्वारा कुल 554 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। अवैध रुपए जमा लेने वाली कंपनियों पर अब लगेगी लगाम।
वैसी कंपनियां या फर्म जो आम लोगों की जमा पूंजी अवैध तरीके से लेकर भाग जाते हैं, अब उन पर बिहार में लगाम लगाया जाएगा। बता दें कि ऐसी कंपनियों और फर्म को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफी गंभीर है और यही वजह है कि इस संबंध में कई कानून भी बनाए गए हैं। मालूम हो कि अब ऐसी कंपनी और फर्म पर नकेल कसने के लिए बिहार में भी नियम बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत राज्य में प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस प्राधिकरण के अध्यक्ष वित्त विभाग के सचिव होंगे और साथ ही प्रत्येक जिले में जिला एवं सेंसन कोर्ट में इसके लिए एक डेजिनेटेड कोर्ट भी घोषित किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए केंद्र के द्वारा सहमति दे दी गई है। अब बस बहुत जल्द ही इसके लिए कैबिनेट में वित्त विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। पालमों के ऐसी कंपनियों और लोगों को डाटा बेस तैयार किया जाएगा, जिसमें सक्रिय जमा लेने वालों की जानकारी रखी जाएगी और इन सभी के द्वारा अपने कारोबार के संबंध में रिपोजिटरी अथॉरिटी को सूचना दी जाएगी। मुंबई के तर्ज पर बिहार में इस दिन से बनेगी फिल्म सिटी। बहुत जल्दी बिहार वासियों को भी मुंबई या दूसरे शहरों की तरह फिल्म सिटी मिलने वाला है। दरअसल बहुत जल्दी बिहार के राजगीर में मुंबई के तर्ज पर फिल्म सिटी के निर्माण की शुरुआत की जाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म सिटी का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से 120 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म सिटी के निर्माण की शुरुआत अगस्त से शुरू हो सकती है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा फिल्म सिटी और फिल्म पॉलिसी के निर्माण के लिए की जा रही तैयारियां अब अंतिम चरण में है। राजगीर में फिल्म सिटी के निर्माण हो जाने के बाद यहां ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई और नोएडा के ट्रेनर मौजूद होंगे। मालूम हो कि फिल्म पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है और बस मंजूरी के लिए इसे वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही फिल्म निर्माण के लिए समय के अनुसार सब्सिडी भी तय की जाएगी। ना के बाद हां, पटना में बाबा बागेश्वर का लगा दिव्य दरबार। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा का आज चौथा दिन है। वहीं बीते दिन हुए लगाए गए दिव्य दरबार में बाबा के द्वारा कई लोगों की समस्याओं को सुना गया और साथ ही उनका समाधान भी बताया गया। बता दें कि बीते दिन ऐसी खबर चल रही थी कि कार्यक्रम में बढ़ती भीड़ और लोगों के खराब होते स्वास्थ्य को देखते हुए बाबा के द्वारा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि वे कार्यक्रम में ना आए, लेकिन फिर बाबा के द्वारा तय समय पर दिव्य दरबार लगाया गया और सभी लोगों की समस्याएं सुनी गई। वहीं दिव्य दरबार के बाद हनुमंत पाठ भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में 13 मई से हुई थी, जो की 17 मई तक चलने वाली है। निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के मामले पर इस दिन होगी सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य की निचली अदालतों में वकीलों के बैठने और कार्य करने की व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले को लेकर वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया था कि 13 स्थानों पर वकीलों के लिए भवन निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और फिलहाल बाकी अन्य जिलों में भी कार्रवाई चल रही है। वहीं कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को यह बताने को कहा गया था कि राज्य के 38 जिलों में से कितने जिलों में वकीलों के भवन निर्माण के लिए जिलाधिकारियों ने भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली है। बिहार में 1767 अमीनों की नियुक्ति इस सप्ताह होगी शुरू। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सभी जिलों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि बिहार में 1767 अमीन पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का कार्य एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाए, ताकि इन सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी अमीनों की नियुक्ति बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर सहित बोधगया स्थित प्रशिक्षण संस्थान में होगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा योग्य प्रशिक्षकों का पैनल बनाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि फिलहाल इन चयनित अमीनों के कागजात की जांच चल रही है, जिसमें अगर कागजात में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी अभ्यर्थियों का चयन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद पटना द्वारा CBT परीक्षा 2019 के माध्यम से किया गया है। के प्रभाव से राज्य का मौसम होगा सुहाना। पिछले कई दिनों से गर्मी से बेहाल लोगों को जल्द ही पूर्वा हवा चलने से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 और 18 मई को भी राज्य के 20 जिलों में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके पीछे मोचा तूफान का असर माना जा रहा है। हालांकि तीन जिलों रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में हीट वेव का असर भी रहेगा। पटना व आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। आगे दो दिनों बाद 17 और 18 मई को जमुई, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी सहित राज्य के 20 जिलों में वर्षा हो सकती है। चक्रवाती तूफान के कारण किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर और बांका में भी तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 85,607 मुकदमे। बिहार लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली, एनआई एक्ट की धारा 138, श्रम विवाद, बिजली और पानी बिल से संबंधित वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया, राजस्व समेत अन्य दीवानी विवादों से जुड़े कुल 85,607 मुकदमों का निपटारा किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी विवादों से संबंधित मामलों में 141,91,00,000 रुपए का समाधान निकाला गया है। इसके साथ ही विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में 44,34,00,000 रुपए का समझौता भी कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अदालत का आयोजन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार की तरफ से आयोजित किया गया था। वहीं मुकदमा के पहले की स्थिति और लंबित मुकदमों का सुलह समझौता के आधार पर निपटारा किए गए मामलों की जानकारी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सरकार ने डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी किया अनिवार्य। नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अब देश में वे सभी डॉक्टर जो मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले हैं या कर रहे हैं, उन्हें यूआईडी एनएमसी एथिक्स बोर्ड के द्वारा जारी की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या हासिल करनी जरूरी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह विशिष्ट पहचान संख्या डॉक्टरों के लिए एनएमआर में रजिस्ट्रेशन कराने और भारत में मेडिसिन प्रैक्टिस कराने की योग्यता प्रदान करेगी। इसके साथ ही एनएमसी के नए अधिसूचना के अनुसार देश के वैसे सभी डॉक्टर जो रजिस्टर्ड है उनके लिए एक कॉमन नेशनल मेडिकल रजिस्टर होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के मेडिकल काउंसिल के सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों की जानकारियां शामिल होंगी और साथ ही इसमें डॉक्टरों के बारे में हर जरूरी जानकारी होगी। बता दें कि नई अधिसूचना के अनुसार एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जारी किया गया मेडिसिन प्रैक्टिस का लाइसेंस 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा। वहीं 5 साल खत्म होने पर मेडिकल प्रैक्टिशनर को राज्य चिकित्सा परिषद में आवेदन कर अपने लाइसेंस को नवीनीकरण करवाना होगा। एशियन ट्रैक साइकिलिंग में भारत से खेलने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बने प्रहलाद। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 9 से 13 जून 2023 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए भारत से खेलने के लिए बिहार के गया के रहने वाले प्रहलाद कुमार का चयन किया गया है। बता दें कि खेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस प्रतियोगिता के लिए किसी बिहार के खिलाड़ी का चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल प्रहलाद कुमार राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पटियाला में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वहीं प्रहलाद कुमार के इस सफलता पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, सचिव वंदना प्रेयसी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण और निदेशक पंकज राज के द्वारा शुभकामनाएं दी गई है। वहीं प्रहलाद कुमार का इस प्रतियोगिता के लिए चयन होना बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है और साथ ही इससे दूसरे खिलाड़ियों को भी काफी उत्साह मिलेगा। बागेश्वर बाबा की कथा में शामिल होने से तेजस्वी ने किया इनकार। बीते दिन ऐसी खबर चल रही थी कि बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में चल रही बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बता दें कि इसको लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कथा में शामिल होने को लेकर कहा है कि हमारे यहाँ बहुत निमंत्रण आते रहता है, लेकिन जहाँ जनता की भलाई की बात होगी हम वहीं जाते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वह बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से नहीं मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा यह दावा किया गया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने की इच्छा जताई थी और आयोजन समिति के द्वारा उन्हें आमंत्रण भी भेजा गया था। बीजेपी में शामिल हुई रानी चौबे। पिछले कुछ दिनों से कई नेता अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे। बता दें कि अब बीते दिन सोमवार को जाप की नेता रानी चौबे और युवा जदयू के नेता डॉक्टर मृणाल शेखर ने भी अपनी पार्टी का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल बीते दिन बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें रानी चौबे भी शामिल हुई थी। बता दें कि जाप की नेता रानी चौबे और युवा जदयू के नेता डॉक्टर मृणाल शेखर को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। इस दौरान बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद रहे।
लखनऊ बनाम मुंबई के बीच प्लेऑफ की जंग। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के 63वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होने वाला है। बता दें कि आज का यह मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मालूम हो कि दोनों ही टीमों के बीच प्लेऑफ दांव पर लगा हुआ है। बता दें कि दोनों ही टीमें अंक तालिका में टॉप 4 में शामिल है, जहां मुंबई तीसरे तो लखनऊ चौथे नंबर पर है। पिछले मुकाबले में दोनों ही टीमों को जीत हासिल हुई है, जहां लखनऊ ने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी तो मुंबई ने गुजरात को हराकर जीत हासिल की। फिलहाल दोनों ही टीमों के बीच इस सीजन में पहली बार मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि आज का यह मैच दोनों टीमों के बीच प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए खेली जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 27% ओबीसी कोटा पर रोक के कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय को 2008 में खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थिम्पू 2008 में पहुंचे। अजलन शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में पीटीआई पिछले विजेता भारत और दक्षिण कोरिया को बारिश के कारण मैच न हो सकने पर संयुक्त विजेता 2010 में घोषित किया गया। भारत के एक बड़े बिजनेसमैन रुस्तम जी होम सजी मोदी का निधन आज ही के दिन हुआ। भारतीय राजनेता व विद्वान पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार नटवर सिंह का जन्म 1931 में हुआ। आर एन माधो लकड़ का जन्म 1857 में हुआ। वो भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आज के दिन को सिक्किम स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बैलखंड में आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एसएससी सीजीएल परीक्षा 2022 के कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा परिणाम के संबंध में एक फर्जी दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि एसएससी द्वारा ऐसा कोई परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है। अंतिम परिणाम के लिए एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in देखें। बिना किसी ऐप के अपने स्मार्टफोन को ऐसे करें क्लीन। स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपने स्मार्टफोन का ध्यान रखें। कुछ लोग मोबाइल फोन को समय समय पर क्लीन करते रहते हैं, जिससे उनका फोन औरों की तुलना में अच्छा काम करता है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन को क्लीन नहीं करते और फिर उन्हें मोबाइल फोन यूज करने में परेशानी आती है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिना किसी ऐप के अपने स्मार्टफोन को कैसे क्लीन किया जा सकता है। स्मार्टफोन को क्लीन और लाइट रखने के लिए मोबाइल फोन का डेटा गूगल ड्राइव पर अपलोड रखें। जो ऐप्स आपके काम के नहीं है उन्हें भी अनइंस्टॉल कर दे। स्मार्टफोन में यदि मेमोरी कार्ड लगता है तो कोशिश करें कि डेटा मेमोरी कार्ड के अंदर रखें, ताकि फोन की स्टोरेज ना भरे और परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना आए। जिन फोटो वीडियो और फाइल्स का काम हो गया हो उन्हें डिलीट कर दे। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम आदि अन्य जगहों से आ रही वीडियो या फोटो को फोन से डिलीट कर दे। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, योगेंद्र रचक, बिट्टू कुमार राज, कृष्ण कुमार यादव, कृष्णन महतो, मृत्युंजय कुमार, हरिकेश मंडल, रवि कुमार राम, मंटू मांझी, कन्हैया कुमार, ललिता कुमारी, संतोष, राजीव कुमार, विकी कुमार, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली टॉप की 4 टीमें कौन सी हो सकती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।